विद्या सरोजी सांसद बनी और उनके सांसद बनने के बाद जब विधानसभा का चुनाव माननीय बहन मायावती जी की सरकार के बाद जब सन 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ तब हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवयुवक नेता श्री मनीष रावत जी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। हम लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ समाजवादी पार्टी का काम किया, समर्पित भावना से समाजवादी पार्टी की विजय हुई। हमारे जो किसान थे, खेतिहर मजदूर थे, गांव देहात के, उन सब ने माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी का पार्टी को अपना मत दे करके माननीय मनीष रावत जी को विधायक बनाया। तो अभी 9/2022 का आने वाला है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र सिधौली में समाजवादी पार्टी का कौन प्रत्याशी बनना चाहिए या कौन बनेगा? हम अपनी बात स्पष्ट कहेंगे, इसमें दो राय नहीं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का के प्रत्याशी श्री मनीष रावत को ही बनाना चाहिए। हम नमस्कार साथियों, मैं चंद्रशेखर प्रजापति, आज हमारे न्यूज स्पंदन अभिनव भेंट वार्ता की कड़ी में यहाँ के क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी के नेता राम मोतार यादव हैं। दादा, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी के बहुत ही जमीनी नेता हैं और काफ़ी अरसे से समाजवादी पार्टी में आप सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हैं, और आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी में कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी में माननीय हमारी पूर्व सांसद बहन सुशीला सरोज जी जब मिश्रिक से सांसद बनी समाजवादी पार्टी के टिकट पर, मैं तब से उनके साथ। अच्छा, तो वो एक बार सांसद रही और दूसरा चुनाव उनका 2004 में हुआ, तब भी वो मिश्रिक क्षेत्र से ही लड़ी, तब भी मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था और मैं उन्हीं के मदद के लिए हमने कार्य किया। दुर्भाग्यवश माननीय सांसद जी उस चुनाव में हार गई। उस समय मिश्रिक क्षेत्र से बसपा के टिकट पर अशोक रावत जी जीते थे। उसके चलते चलते जब उनका कार्य 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, 2009 आया, तो माननीय सुशीला सरोज जी जो हमारी हैं वो तो मोहनलालगंज क्षेत्र से, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो मोहनलालगंज से संसद का चुनाव लड़ी। मैं उनके साथ रहा, उनका समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था। हमसे जो भी हो सका मैंने समाजवादी पार्टी का काम किया और बहन सुशीला सरोज के लिए जन जन गाँव जाकर के वोट मांगे। ईश्वर की परम पावन कृपा से, जनता की के परम सहयोग से माननीय सुशीला सरोज जी सांसद बनी और उनके सांसद बनने के बाद जब विधानसभा का चुनाव माननीय बहन मायावती जी की सरकार के बाद जब सन 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवयुवक नेता श्री मनीष रावत जी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। हम लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ समाजवादी पार्टी का काम किया, समर्पित भावना से समाजवादी पार्टी की विजय हुई। हमारे जो किसान थे, खेतिहर मजदूर थे, गांव देहात के, उन सब ने माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी का पार्टी को अपना मत दे करके मनीष रावत जी को विधायक बनाया सिधौली विधानसभा। जी, सिधौली विधानसभा से। तो अभी चुनाव 2022 का आने वाला है, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र सिधौली में अनुमानतः समाजवादी पार्टी का कौन प्रत्याशी बनना चाहिए या कौन बनेगा? हम अपनी बात स्पष्ट कहेंगे, इसमें दो राय नहीं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का के प्रत्याशी श्री मनीष रावत को ही बनाना चाहिए। हम पार्टी अध्यक्ष हमारे जो केंद्र में देश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के रहे हैं, माननीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी, जो
किसानों के मसीहा कहे गए, धरती पुत्र कहे गए, उनके सुपुत्र भी हैं। हमें पूरी उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, हम समाजवादी पार्टी के भारी से भारी कार्यकर्ताओं के सहित हम मांग करेंगे कि हम मनीष रावत को ही समाजवादी पार्टी अपना इसी विधायक 2022 में अपना प्रत्याशी बनावें, ताकि जनता हमारे समाजवादियों की ज़्यादा से ज़्यादा मांग है मनीष रावत के लिए। दादा, हम एक दूसरा आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे। विधानसभा क्षेत्र सिधौली में समाजवादी पार्टी का एक लंबा गुट इनके विरोध में है, मनीष रावत के विरोध पे, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम कहेंगे जी, जो एक लंबा तो नहीं छोटा सा ग्रुप इनके विरोध में है, वो आज से नहीं पहले से है। कुछ बसपा के लोग और कुछ समाजवादी के असंतुष्ट चंद लोग जो अपनी चलाना चाहते थे, जो जातिवाद चलाना चाहते थे, उनका जातिवाद पर हमारे मनीष रावत जी नहीं चले। उन्होंने समाज की सभी वर्गों की सेवा की, अगर ये पिछड़े दलित सबको साथ साथ लेकर चले हैं। हमारी समाजवादी पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र है, हमारी समाजवादी पार्टी का जो नारा है, उसको सक्रिय किया मनीष रावत जी ने। और ये जो आपने पूछा गुट असंतुष्ट है, ये चंद लोग हैं, और इसी के साथ ये जो हरगोविंद भार्गव के पिताजी उसमें राम दुलारे रावत जी जो शामिल हुए हैं, तो बसपा के कुछ लोग भी उनके साथ में आए हैं। वे लोग, ये जो समाजवादी के चंद लोग पहले भी विरोध किया करते थे, आज भी करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो लोग विरोध करने आए हैं, इनके गांव के भी लोग, ये जहाँ रहते हैं यहाँ इनके गांव के, इनके जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, विरोधी लोग, वो सब मनीष के साथ हैं। और मनीष के साथ समाजवादी पार्टी के 75% लोग, मैं 100% नहीं कह सकता, 75-80% लोग मनीष रावत जी के साथ। और आप जानना चाहेंगे कि क्यों? मनीष रावत ने निष्पक्ष निष्कपट समाज की सेवा की है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, 4 पुल बनवाए, 2 गोमती पर और 2 सरायन नदी में, 1 बिरसिंहपुर घाट, 1 लोहरा घाट गोमती पर, 1 सरायन बसाइडी घाट और 1 कोनी घाट डबल पुल इन्होंने बनवाया। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अति पिछड़ा क्षेत्र गुंदला मऊ ब्लॉक का जो सिधौली क्षेत्र में जोड़ा गया है, वो अति पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ इन्होंने राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाई और हाई स्कूल भी वहाँ खुलवाया, हाई स्कूल एक मॉडल इंटर कॉलेज जदौर में इन्होंने खुलवाया, और कसमंडा में हाई स्कूल खुलवाया, इन्होंने गुंदला मऊ में पावर हाउस का उद्घाटन किया, वहाँ बिल्डिंग स्वीकृत कराई, और जलालाबाद में भी हाई स्कूल खुलवाया, कसमंडा में भी खुलवाया, और बिजली के क्षेत्र में इस टाउन की का जो बिजली का वो है वो अलग करवाया, अस्पताल में भी सुधार करवाया उन्होंने, और सड़कों का जाल मनीष रावत जी के नेतृत्व में काफ़ी से कपा। मैं ज़्यादा कौन कहें, हमारे दिवाकर जी बैठे हैं, मैं पिछले क्षेत्र का रहने वाला हूँ, हमारे गांव खानपुर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इन्होंने गोपालपुर मिश्रिक रोड से और खानपुर में जो एक धर्म स्थान है केशवगिरी बाबा का कहा जाता है, 2.5 किलोमीटर डामरीकरण करवाया उस रोड का, और दूसरा गंगोए की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव रखा, तब तक सरकार चली गई तो वो रुका पड़ा है। इन्होंने बिगड़ी 10 साल से पंप कैनाल कुचलाई की बिगड़ी ध्वस्त पड़ी थी, उसमें पानी नहीं आता था, किसान भुखमरी के कगार में था, मजदूरी करने शहर को चले जाते थे। मनीष रावत जी ने उस समय जो जिलाधिकारी हमारे थे पंकज यादव जी को ला करके उस नहर का जीर्णोद्धार कराया, और 3 नए मोटर और 3 नावें स्वीकृत कराई, और मरम्मत के लिए और भी तमाम पैसे स्वीकृत कराए, और पावर हाउस वहाँ रिजर्व करवा दिया नहर के लिए। आज वो नहर 24 घंटे पानी दे रही है। समाजवादी पार्टी ने सिंचाई माफ की थी तो किसान के खेत को पानी मिलता है, किसान अन्न का उत्पादन करता है, किसान गन्ना पैदा करता है, किसान खुशहाल है। मैं इन सब कारणों से और उनके उदार प्रवृत्ति की दया क्षमा शील भावनाओं से मनीष रावत थोड़े से बुलावे पर भी गरीब से गरीब के घर में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। मैं इन्हीं कारणों से मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करूंगा, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और छोटे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत पड़ी तो मनीष रावत के लिए हम टिकट की मांग करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय
हमारे अखिलेश यादव जी सिधौली क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का टिकट समाजवादी के प्रत्याशी मनीष रावत को ही बनाएंगे। आज की मैं बात बता रहा हूं, जो धरना प्रदर्शन था मनीष रावत के घर पर बहुत से लोग एकत्रित थे, लेकिन हम लोग निकले जो ही तो पुलिस का घेरा इतना था कि चारों तरफ रोक लगी थी, चाहे वो बाड़ी का चौराहा हो, चाहे महमूदाबाद का हो, चाहे बिस्मा हो, बैरिकेडिंग लगी थी, फिर भी लोग छुप करके नांग करके तमाम लोग उनके निवास पर इकट्ठा हो गए। मनीष रावत है, हम लोग निकले सड़क पर, पुलिस ने में हम लोगों को घेर लिया। हम शांतपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे, हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए उतरे थे, लेकिन हमें बहुत जोर शोर से रोका गया। फिर भी हम लोग रुके नहीं और सरकार के विरोध का ज्ञापन मैंने परगना अधिकारी SDM महोदय को मनीष रावत के नेतृत्व में। दादा, विधानसभा क्षेत्र सिधौली में समाजवादी पार्टी के दो गुट हो गए हैं जी, क्या आगामी विधानसभा चुनाव 2022 समाजवादी पार्टी सिधौली को जीत पाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में भारी मतों से जीतेगी। ये गुट जो आपने कहा, ये गुट अलग है, इस गुट का कोई महत्व नहीं, ये तो पहले से ही विरोध करते आए हैं अपने निःस्वार्थ के लिए, समाज की सेवा के लिए निःस्वार्थ नहीं देखा जाता। नेता सबका होता है, सबका विकास करने के लिए नेता को प्रयत्न करता है, व्यक्ति विशेष की अगर कहने चले तो समाज की सेवा नहीं हो पाएगी। दादा, आपसे दूसरा प्रश्न है कि अभी वर्तमान सरकार के दौर में जो महंगाई बढ़ती जा रही है और शिक्षा और अन्य चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? मैं एक किसान हूँ, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, मैं आपको जो मैं निडर होकर के कह रहा हूँ कि इनकी गलत नीतियाँ ऐसी हैं, किसान का इन्होंने ख्याल ही नहीं किया। आप बताइए, 100 रुपये लीटर डीजल, 100 रुपये लीटर पेट्रोल, जब किसान अपना खेत सींचेगा, अपना पंप चलाएगा तो डीजल तो लगेगा ही। जब 100 रुपये लीटर डीजल है तो एक घंटे में 2 लीटर यदि कोई छोटा सा इंजन खाता है और कोई समर चलाता है तो ज़्यादा खाता है। आप बताइए, 200 रुपये खुद का हो और किराए देता है तो 300 रुपये बीघे दे करके उसको क्या क्या मिलेगा, और खाद इतनी महंगी हो गई है, DAP, किसान क्या करे? और किसान का गेहूँ मात्र 35 रुपये का 5 किलो बाज़ार में खरीदा जाता है। इन्होंने जो खरीद केंद्र खोला, चाहे धान का हो या गेहूं को, वहाँ पर आम लोगों के गेहूं खरीदे ही नहीं जाते, वहाँ दलाल गेहूं बेचते हैं, इसलिए किसान बदहाल है। और एक समस्या किसान के सामने और भी है, हर गांव में जानवर फ्री कर दिए गए, चाहे जो भी नीतियाँ हों, किसी सरकार में जानवर फ्री नहीं रहे, लोगों के खेतों में तार न लगाए जाते तो आज किसान घर में अनाज खाने भर को नहीं होता। मैं अपनी बात बताऊं या अन्य लोगों की बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छोटा सा किसान जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, वो कहां से खट्टा लाएगा उसकी, और कहां तक सारी रात जानवरों को देखाएगा, उसकी फसल चर जाएगी। जब किसान इस प्रकार से बदहाल है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, और ज़्यादा कौन कहे, जुर्म भी बढ़े हैं, और यहाँ शासन जो प्रशासन है हमारा वो निरंकुश है। लोग हमारी नहीं, आप देहात में जाइएगा, हर जगह जाइएगा, उनकी अंतरात्मा को टटोलिएगा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सभी लोग नाराज हैं। दादा, आपसे एक प्रश्न और है कि अभी जो सदियों से बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर जी, और वर्तमान सरकार ने उस मुद्दे को समाप्त करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या इस पर आपका क्या वर्जन है? बिल्कुल है, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, अयोध्या उनका जन्म स्थान है, मैं मानता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम व्यक्ति विशेष के नहीं हुआ करते, दलगत के नहीं हुआ करते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम समस्त समाज के हैं। राम राज बैठे त्रिलोक का, हर्षित भयो गयो सब शो का, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। वो राम राज की कल्पना गांधी जी ने की, बड़े बड़े महापुरुषों ने की। देखिए, सत्य हिंसा के पथ पर समाज की सेवा करने वाले लोग उनकी बड़ाई करते हैं। अगर कोई राम को अपना कह दे तो राम तो सबके हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, अमीर के, गरीब के हैं, अगड़े पिछड़े दल सबके तो राम हैं, सबके मुख से, तो राम को सीमित नहीं रखना चाहिए। राम एक आस्था है, तो जो सर्वत्र जिसको ईश्वर कहा गया वो तो किसी विशेष तो नहीं हो सकता, जिसे सबका कल्याण हो वही है राम। अयोध्या में अगर उनका जन्म स्थान पर बन रहा तो इसका मैं स्वागत करूँगा, इसका विरोध हम नहीं करते।
दादा आपसे प्रश्न है, क्या इतना आप राम में आस्था रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मंदिर की राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या आप इसलिए जो है आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे? हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने राम को अकेले अपना मां क्यों माना? राम तो हिंदुओं के हैं, राम तो मुसलमानों के हैं, राम तो ईसाइयों के हैं, राम दलितों के हैं, राम पिछड़ों के हैं, राम अगड़ों के हैं, राम समस्त संसार के हैं। राम को इस जब मान लिया गया, जब ईश्वर का अवतार मान लिया गया, 12 कलाओं से माना गया, और यहाँ तक है कि राम ने सिवरी के जूठे बेर खाए हैं, राम अच्छे पक्के समाजवादी थे, राम ने दक्षिण भारत में जा करके बानर भालू, जिनको बानर भालू कहा गया, वो आदिवासी थे, उनकी सेना को सुसंगठित करके जो जनता का शोषण रावण करता था उस पर चढ़ाई करके विजय पाई, तो बताइए राम समाजवादी नहीं तो और क्या थे? राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हुआ करते, किसी दल के नहीं हुआ करते, राम सर्वत्र व्यापक हैं, सबके हैं, राम हमारे इष्ट हैं, कृष्ण हमारे इष्ट हैं, इनको राजनीति में खींचना ही नहीं चाहिए। आपसे हम जानना चाहेंगे जो बेरोजगारी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? यहाँ बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि लॉकडाउन लगा है, यहाँ का जो मजदूर लेवल का आदमी है वो कहाँ मजदूरी करने जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसलिए, और अन्य भी लोग भी है, उद्योग धंधे बंद हैं, तो इसमें बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, तो लोग परेशान तो होंगे ही।